डिप्टी कमिश्नर डोडा से। वी वेलकम यू। कुछ नहीं बने सर, पे आपने दे दी सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका वो प्रिंट आउट लेके जाते हैं 10 पेज लेते हैं तो कुछ करेंगे। नमस्कार व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में और आज यहाँ पे चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के हैं उनका एक विजिट था और उन्होंने आज एक यहाँ पे इनॉग्रेशन करना था एक विधि सेवा केंद्र का। और मेरे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट इम्तियाज मीर जी हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन डोडा के। सो प्रेसिडेंट सर, आप आज के विजिट के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, फिर बाकी के क्वेश्चंस बाद में पूछते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हुए थे, ई फाइलिंग सेंटर का यहाँ इन्होंने इनॉग्रेशन किया और उनके साथ में यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं इस डिस्ट्रिक्ट के जस्टिस ओसवाल वो भी आए हुए थे। तो यहाँ पर उनका बार मेंबर्स के साथ एक इंटरेक्शन भी हुआ और बार की तरफ से हमने उनके सामने कुछ डिमांडें रखी। उसमें पहली डिमांड ये थी कि यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है वो पिछले 4 साल से नहीं हुई है, तो हमने पहले भी बहुत सारी जगहों से इनको रेजोल्यूशंस भी भेजे, बताया भी, पहले चीफ जस्टिस साहब आए यहाँ उनको भी बताया, लेकिन अभी तक यहाँ इस कोर्ट को प्रेजाइडिंग ऑफिसर नहीं दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर केस वर्क बहुत सफ़र करता है, बार मेंबर्स सफ़र करते हैं, जनरल पब्लिक सफ़र करती है। एक तो वो हमने उनको बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम यहाँ अपॉइंट करेंगे सेशन जज को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। एक तो वो मसला था, दूसरा ये था कि यहाँ से जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ठाठरी और भद्रवाह में जाते हैं हफ्ते में 3 दिन के लिए, तो उस वजह से भी यहाँ काम जो है जनरल पब्लिक का बड़ा सफ़र होता है, इनकन्वीनियंस हो जाती है पब्लिक को और यहाँ के बार मेंबर्स को। तो वो भी हमने इनको बताया कि ये फुल टाइम ये मैजिस्ट्रेट से यहाँ रिज्यूम करें और इनको बाहर ना भेजें ताकि यहाँ का वर्कलोड जो है वो लोग ये इसको कैटर करें। तो वो भी उन्होंने कहा कि हम कोई एडहॉक प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, तो वो ये जो जजों की कमी है, जुडिशल ऑफिसर्स की कमी है, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा हमसे। इस पूरे प्रोसेस को करने का एक ही मकसद है कि लोगों तक जस्टिस जितना जल्दी पहुंच सके उतना। अब इसमें हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसमें, लेकिन जो पेंडिंग केसेस की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर अगर वो सारी चीज़ें हल हो जाएँ और टैक्स से भी हर चीज़ को होना चाहिए, आज ई कोर्ट्स हैं, बाकी और सारी चीज़ें भी हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ऊपर जब भर्तियां नहीं होंगी, रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगी, तो अडहाकिज्म आपको नहीं लगता कोई सोल्यूशन नहीं, इसका परमानेंट नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यही नहीं सारे मुल्क में, वो ये है कि मैन पावर की कमी है। जहां आपको 10 जजों की ज़रूरत है वहां आपके पास 3 हैं और वो इतने ओवरबर्डन्ड हैं कि वहां ना तो काम निकलता है ना डिस्पोजल होता है और लोग परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट अगर कोई चीज़ है तो वो जजों की कमी है। तो वही बात हमने बड़े थ्रेड बियर डिस्कस की चीफ जस्टिस साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जजेस की कमी को पूरा करें, उस तरह से काम तकसीम होगा और काम निकलेगा। जो जस्टिस सीकर्स हैं, जो इंसाफ ढूंढने के अदालतों में आते हैं, तो वो उनको इंसाफ मिले और जल्दी मिले इंसाफ, तो उसमें जो भी हिकअप्स हैं रिक्रूटमेंट में या एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में, वो ये खुद ठीक कर सकते हैं। हमने चीफ साहब को ये भी कहा कि आप ऑटोनमस हैं, आप ये रूल्स बना सकते हैं, आप गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि आप रिक्रूटमेंट जल्दी कर जाए, UPSC को पोस्टें रेफर करके जल्दी मुनसिफों की नियुक्ति हो, मुनसिफों को लगाया जाए, तो उससे जो कमी है ऑफिसर्स की वो पूरी हो जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है केसों का निपटारा जल्दी हो जाएगा और जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा अदालतों में। डिजिटाइजेशन और टैक्स सेवी बनाने के लिए भारत को पूरी कोशिश की जा रही है और उसी में ये एक स्टेप आगे भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर आप टोपोग्राफी को देखें और एक ह्यूज हमें डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, तो आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगा? कोविड में भी क्योंकि ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की कि कोर्ट्स बड़ी देर तक बंद रहे और हमने ई कोर्ट्स को स्टार्ट तो किया, ऑनलाइन हियरिंग्स भी स्टार्ट की, लेकिन उसका कितना रिस्पॉन्स मिला? लेकिन जब तक हमारे लोग इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये उस तरीके से जस्टिस डिलीवर कर पाएगा? इतना टेक से भी एडवांस लेवल पे हमें जाने की ज़रूरत है और उसमें अपने आप को हम 5G की अब बात कर रहे हैं, लेकिन कई एरियाज़ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल लेवल पे अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे डिलीवर कर पाएंगे? इसके रिलेटेड उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया। देखिए, ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है जी।
डेवलपिंग प्रोसेस है। हमें उम्मीद है कि 2-3 साल के अंदर अंदर ये जो कार्य प्रणाली है या जो मोड ऑफ वर्किंग है ये भी डेवलप हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से डेवलप होगा और इससे बहुत सारी जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ से हाईकोर्ट की फाइलिंग कर सकते हैं, यहाँ से ही बहस कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं, तो वो एक बड़ी सुविधा होगी, बड़ी आसानी होगी, बड़ी सहूलियत होगी, तो वो होगा, ज़रूर होगा। और उस मसले में भी यहाँ बात हुई और यहाँ पर भी वो खोल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक अलग से कैबिन होगा जहाँ से फाइलिंग भी होगी, जहाँ से आर्गूमेंट भी वीसी पे होंगे। और ये आसानी जो है आहिस्ता आहिस्ता इन दूर दराज इलाकों में भी हो रही है, कभी नेट की प्रॉब्लम है, कभी क्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये आगे ही काम बढ़ने वाला है और ये जो सहूलियत है ये 2-3 साल में मुकम्मल हो जाएगी और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी इसके इसमें इस सहूलियत का हिस्सा बनेगा। बार को आपने रिप्रेजेंट किया, इनकी प्रॉब्लम्स को आपने रिप्रेजेंट किया, तो जो पर्सनल लेवल पे क्या एश्योरेंस आपको लगा, क्योंकि आपने इंडिया के लेवल पे भी और इंडिया से बाहर भी जुडिशियल सिस्टम को देखा है, जाना है, तो आपको पर्सनल लेवल पे क्या लगता है कि कैसा एश्योरेंस है और कहां तक हम कितने जल्दी पहुंच सकते हैं? मैं गुजारिश आपसे करूं कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी इसमें थोड़ा सा एंग्विश जाहिर किया कि कुछ हिकअप्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कुछ हमने पोस्टें रेफ़र की हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हम होपफुल हैं और चीफ साहब भी होपफुल हैं कि आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में कुछ इस किस्म की कि वॉर फुटिंग पे वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिससे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो तेज़ी पकड़ ले और हमारे जो ऑफिसर्स की कमी है वो पूरी हो और रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है उसको शॉर्टन किया जाए, उसको कम किया जाए, यानी वो पहले 1-2 साल का होता था, अब ये इनका कहना है और ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो हमें मिलें और ये कोर्स जो हैं इनको ऑफिसर्स मिलें और काम चले, उसमें वो होपफुल मुझे दिखे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उन्होंने भी बताया कि हम रात दिन इस पर काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर ही होगा, बेहतर होगा जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इशू पे बहुत दिक्कत होगी, नई बिल्डिंग बनने में समय लगेगा, लेकिन इस बीच एडिशनल ले सकते हैं या कोई अल्टरनेटिव ले सकते हैं। आप ये 1.5 महीने का समय दीजिए और एक बार एड हॉक प्रमोशन हो जाए फिर हम देखेंगे। आपके यहाँ कितने मेंबर्स हैं? बात आपके जब मेंबर्स यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, समाधान ढूंढता हूँ।